दोस्तों नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडी। यहां पर देखिए पूर्णांक होंगे 80 और समय होगा 3 घंटों का। इकाईवार विषय वस्तु आवंटित की गई है, इन पर अंक विभाजन किया गया है, उसकी मैं बात करूंगा। यहाँ पे देखिए भाग एक व्यवसाय के आधार पर हम बात करेंगे। यहाँ पर व्यवसाय व्यापार और वाणिज्य दिया गया है, इस पर 10 अंक आवंटित है, जिस पर 5 विकल्प पूछे जाएंगे आपसे। अंक 2 अंकों का एक क्वेश्चन और 3 अंकों का एक क्वेश्चन होगा। कुल क्वेश्चन की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 2। अब देखते हैं हम व्यवसायिक संगठन के स्वरूप चैप्टर सेकंड या इकाई सेकंड में आप देखते हैं यहाँ पर 10 अंक आवंटित किए गए, जिस पर 4 विकल्प पूछे जाएंगे। 2 अंकों का एक क्वेश्चन होगा और 4 अंकों का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीकरण भूमंडली उपक्रम की बात करें तो यहाँ पर 6 अंक आवंटित किए गए हैं, जिन पर एक विकल्प पूछा जाएगा और 2 अंक का एक क्वेश्चन होगा, 3 अंक का एक क्वेश्चन होगा और कुल क्वेश्चन की संख्या हो जाएगी 2। व्यावसायिक सेवाओं की बात करें तो यहाँ पर 6 अंक आवंटित है, जिस पर 4 यहाँ पर विकल्प आपसे पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 अंकों का, कुल क्वेश्चन की संख्या होगी 1। व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ, यहाँ पर 5 अंक आवंटित किए हैं, जिन पर 3 यहाँ विकल्प होंगे, 2 अंकों का एक क्वेश्चन होगा और कुल क्वेश्चन की संख्या हो जाएगी 1। व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यवसायिक नैतिकता पर 5 अंक आवंटित है, जिस पर 3 विकल्प होंगे और 2 अंकों का एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा, कुल क्वेश्चन की संख्या हो जाएगी 1। अब देखिए भाग 2 जो है हमारा, यहाँ पर आपको पता है कि व्यवसायिक संगठन वित्त एवं व्यापार पूछा जाता है। ये भाग 2 सेकंड बुक में है, जो कंपनी निर्माण इसमें दिया गया है चैप्टर 7, जहाँ पर 8 अंक आवंटित किए गए हैं, जिस पर 2 विकल्प पूछे जाएंगे आपसे और 2 अंकों का एक क्वेश्चन होगा, 4 अंकों का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुल यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्यवसायिक वित्त के स्रोत, यहाँ पर 10 अंक आवंटित किए गए हैं इस इकाई पर, जिस पर यहाँ देखिए आपकी 4 विकल्प पूछे जाएंगे और 2 अंकों का एक क्वेश्चन होगा, 4 अंकों का एक क्वेश्चन होगा, कुल क्वेश्चन की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 2। लघु व्यवसाय एवं उद्यमिता पर 6 अंक आवंटित किए गए हैं, जिन पर 3 यहाँ विकल्प होंगे और 3 अंकों का एक क्वेश्चन होगा, कुल क्वेश्चन। आंतरिक व्यापार पर 8 अंक आवंटित है, जिन पर 3 विकल्प यहां पूछे जाएंगे आपसे, 2 अंकों का एक क्वेश्चन होगा, 3 अंकों का एक क्वेश्चन होगा और कुल क्वेश्चन की संख्या हो जाएगी 2। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर 6 अंक आवंटित किए गए हैं, जिन पर यहाँ 2 अंकों का एक क्वेश्चन होगा और 4 अंकों का एक क्वेश्चन, कुल क्वेश्चन की संख्या हो जाएगी 2। इस प्रकार कुल 80 अंक आवंटित किए गए हैं, कुल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।